हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में गुप्त नवरात्र अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं अष्टमी के दिन सुबह से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु मां नैना देवी के दरबार में पहुंचकर इस पावन उपलक्ष्य पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर व प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाल अपने परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना कर रहे हैं। गौर हो कि पूरे साल भी चार नवरात्र मनाए जाते हैं, जिनमें दो गुप्त नवरात्र अषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एवं माघ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र शामिल हैं। श्री नैना देवी जी अपार कृपा से भगत दूरों दूरों आ रहे हैं, माता जी नमस्कार कर और चोलियां भर के जा रहे हैं, आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। माता रानी का गुप्त नवरात्र चल रहे हैं माता रानी के, जिस बीच बहुत ज़्यादा रश है और मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना है, बढ़िया हवा चल रही है, ठंडिया हवा चल रही ने और भगत सवेर के चार बजे पूरे रश के नाल आराम मत्था टेक रहे हैं, जिदे विच पुजारी वर्ग भी भगतों का साथ दे रहा और तो प्रशासन वालों भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छी लाइनों में भगत आराम मत्था टेक रहे हैं और झोलियां भर के जा रहे हैं। वहीं गुप्त नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर न्यास और जिला प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, तो साथ ही साफ व्यवस्था व पीने के लिए स्वच्छ जल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नैना देवी की अपार कृपा से आषाढ़ शुक्ल गुप्त नवरात्रे जो कि पिछले दिनों से प्रारंभ हो चुके हैं, तो आज दिनांक 26 जून 2023 को दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी का विशेष पूजन का महत्व है। निरंतर प्रथम नवरात्र से लेकर अष्टमी पर्यंत तक समस्त पुजारी वर्ग द्वारा एवं मंदिर न्यास के सहयोग से यात्रियों के कल्याणार्थ, आगंतुकों के कल्याणार्थ विश्व शांति हेतु जब तब पूजा अर्चना पाठ यज्ञ अनुष्ठान नित्य किए जा रहे हैं, जिनका विधिवत समापन अष्टमी पर्यंत नवमी के दिन समस्त पुजारी वर्ग द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक तीर्थयात्री को अपना वर्द हस्त भगवती माँ नैना देवी बनाए रखे। प्रत्येक तीर्थयात्री आगंतुक जो भी भगवती माँ नैना देवी के दरबार में श्रद्धापूर्वक आता है, भगवती माँ से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाते हैं।